رمضان. الحمد لله رب العالمين. वसलात वसलाम अला सदमरसलीला अलही व साहब ही अजमीन सूरत यूसुफ़ जैसा कि आप जानते हैं एक मक्की सूरत है और रसोल के क़ियाम बिल्कुल आखिरी दौर में नासिल हुई है एक सौ ग्यारह आयात पर मुश्तम है बहुत सारी बातें मैंने तमहीदन पहले आपकी खिदमत में रख दी थी आज चंद एक ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत पर रखना चाहता हूँ ताकि सूरत आपकी समझ में आ जाए तो ये जो हज़रत यूसुफ़ का वाक़ है ये पेश आया है फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर और किनान के इलाक़े में तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहीं फ़िलिस्तीन में किनान के इलाक़े में थे और इसके बाद हज़रत इसहाक़ भी यहीं पैदा हुए हज़रत सारा के बतन से और फिर इन्हीं के बतन से हज़रत याकूब पैदा हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब बिन इसहाक हज़रत याकूब के बारह बेटे थे और इनमें से एक बेटे का नाम हज़रत यूसुफ था जिसको अंग्रेज़ी में जोसेफ कहते हैं जोसेफ, यूसुफ़ बिन याकूब असलात वसलाम और जब ये इनके भाइयों ने इन्हें कुएँ में फेंका एक रिवायत जो बनी इसराइल की रिवायत है आ, के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ की उम्र सत्रह साल थी और फिर इन्हें मिस्र में ले जाकर बेच दिया गया तो इस तरह अल्लाह ताला ने तजरत यूसुफ़ को फ़लस्तीन से मिस्र मचा दिया और फिर वहाँ वो पहले तो बेचे गए फिर उसके बाद जेल में गए और बिल आखिर मिस्र की हुकूमत उनके हाथ में आ गई और वहाँ पर उन्होंने अल्लाह के कानून को नाफिस किया यूसुफ़ और ये यूसफला है उन्नीस सौ कबल मसीह का अब जरा सुरे यूसुफ को पढ़ते हुए ये इस बात का रख लीजिए कि हजरत यूसुफ के भाई मिस्र चार बार आते हैं चार बार और चौथी दफा जब आते हैं तो वो हिजरत करके आते हैं हमेशा के लिए और अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी ले आते हैं और अपने वालदेन हज़रत याकूब और उनकी बीवी को भी लेकर आते हैं ये वाकया है उन्नीस सौ कबल मसीह का तो इस तरह फ़लस्तीन के इलाके किन आन से ये लोग मुंतकिल हो जाते हैं मिस्र और मिस्र में कह कहा जाता है कि एक जश्न का इलाका था वहाँ ये लोग आबाद हो गए और वहाँ ये हाकिम बन गए इसके बाद हुआ ये कि इनकी हुकूमत चलती रही बनी इसराइल की और हजरत यूसुफ़ की तालीमत वहाँ आम थी तोहेद की तालीम फिर यूँ हुआ कि ज़माने की गर्दिश से वहाँ अमालिका की हुकूमत कायम हो गई और ये फ़राइना की हुकूमत थी फ़राउनों की फ़िर अव्वल फ़िर दुवम फ़िर सुवम और चारों वग़ैरह वग़ैरह और इसके बाद 600 साल तक बनी इसराइल वहाँ रहे 1900 सौ कबल मसीह से लेकर 1300 सौ कबल मसीह तक पूरे तकरीबन 600 साल वहाँ रहे और इसके बाद हुआ ये कि जब अमालिका का दौर आया फराइना का दौर आया तो बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया गया कल तक वह हुकुमरान थे अब वो ग़ुलाम बना लिए गए उनसे मजदूरी ली जाती थी और उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे उनके फिर बच्चों को कत्ल किया जाने लगा और एक वहाँ मुतासिब नस्ल परस्त हुकूमत फिर की कायम हो गई और फिर अल्लाह ताला ने वहाँ हज़रत मूसा आसलात वाम को पैदा किया और बिल आखिर हज़रत मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को ग़ुलामी से नजात दी और उसके बाद उसके बाद फिर ए, बनी इसराइल सीना में दाखिल हुए और फिर सीना से दोबारा फ़लस्ती की मक़दस सरज़मीन में दाखिल हुए और बाइबल के मुताबिक ये वाक़ बारह सौ बानवे कबल मसीह का है जब खुरूज हुआ एक्सोडेस हुआ जब बड़े पैमाने पर लोग मिस्र से ए, सीना में दाखिल हुए जब फिर की पूरी फ़ौज गर्क की गई तो हज़रत यूसुफ़ की हुकूमत और उनके इकतदार को समझने से पहले ये बात समझ लीजिए कि बनी इसराइल के तीन दौर हैं पहला दौर फ़लस्तीन का है और ये दौर है हज़रत याकूब का और उनके बारह बेटों का इब्तदाई दौर और उसके बाद दूसरा दौर है इनका मिस्र का दौर 600 साल का दौर 1900 सौ कबल मसीह से लेकर 1300 सौ कबल मसीह तक 600 साल तक उसके बाद फिर इनका तीसरा और आखिरी दौर शुरू होता है तेरह सौ कबल मसीह से लेकर छः सौ ईसवी तक यानी नबी अक्रम सल्हसम की बेसत तक और फिर इसमें इनके नशब व फरज हुए और इनको हुकूमत भी अता की गई फिर छीन ली गई फिर हुकूमत अता हुई फिर छीन ली गई और पहला इकतदार जो बनी इसराइल को हासिल हुआ था वो हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में हुआ था और दूसरा अकतदार जो मिला इनको वो हज़रत तालुत हज़रत दाऊद और उनके बेटे हज़रत सुलेमान के ज़माने में हुआ ये एक हज़ार कबल मसीह की बात है और उसके बाद तीसरा अकतदार जो मिला इनको वो फिर हज़रत ईसा से पहले का ज़माना है और जब फ़लस्तनीों की एक आज़ाद हुकूमत क़ायम हुई लेकिन फिर सत्तर ईस्वी में टाइटस ने इनको मारा और इनके फसाद की वजह से अल्लाह ने इनको सजा दी तो चलिए अब हम सूरत यूसुफ़ का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह अल्लाह ने बनी इसराइल पर अपनी मेहरबानियाँ की बनी इसराइल से मुराद बनी याकूब हैं हज़रत याकूब सलाम का दूसरा नाम इसराइल है इसराइल का मतलब अरबी इब्रानी जबान इसराइल का मतलब इब्रानी जबान में अब्दुल्ला है तो इनके बारह बेटे थे एक बेटे का नाम था और एक बेटे का नाम लावी था यहूदा की औलाद में हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद हज़रत जकरिया हज़रत यहिया और हज़रत मरियम हैं जिनकी के बेटे हज़रत ईसा इब्न मरियम है और लावी लेवाई जिसे कहते हैं लेवाई जीन साहब जानते हैं तो लावी और लेवी की जो औलाद हैं उसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून है इसी तरह ये बारह भाई थे और इसमें हज़रत यूसुफ़ एक दूसरी माँ से थे ये यानी तीन चार बीवियों की औलाद है ये बारह बेटे इसमें हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन यमीन ये दो सगे भाई थे एक ही बाप और एक ही माँ से इसीलिए जाहिर है हज़रत यूसुफ़ को हज़रत बिन यमीन से बहुत प्यार था क्योंकि वो उन्हीं उनकी माँ के वतन से थे और ये भी ज़रा समझ लीजिए यहाँ एक आयत आ रही है वहाँ उस वक्त मैं बताऊँगा कि ये सौतेले का तसब भी लोगों के अंदर होता है तो यहाँ हज़रत यूसुफ़ से जो हसद किया गया उसके तीन इसबाब हमारे सामने आए पहला सबब ये था हज़रत यूसुफ तमाम बारह भाइयों में सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत थे दूसरा सबब यह था कि तमाम बारह भाइयों में हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ़ बहुत महबूब थे और तीसरा सबब यह था उनके हसद का कि ये एक दूसरी माँ की औलाद हजरत यूसुफ़ और उनके भाई हज़रत बिनियमी तो अल्लाह का नाम लेकर हम अबसूरत का आग़ करते हैं अवज़बिल्ल मिनशा रज़ीम बसमीम मैंने बताया ना कि इसमें इब्ताई दो आया आयात तम ही थी हैं अलफ़िला आयातल्कताबिलमुबी अलफ़िला किताब मुबीन की आयात है यानी बिल्कुल वाज़ किताब है इसमें इबहम नहीं है कोई इसमें ग़ैर मुबहम चीज़ नहीं है इना अनजनाकुर अरबी अच्छा ये किस्सा अरबी ज़बान में है मैं बता दूँ अगरचे कि किस्सा इतना दिलचस्प है इसको आप अंग्रेज़ी में बयान करें उर्दू में बयान करें दुनिया की किसी ज़बान में बयान करें है बहुत दिलचस्प लेकिन अल्लाह का क़लाम चूँकि अरबी में है जो बात अरबी जबान में होगी वो किसी और तर्जुमे में नहीं आ सकती तर्जुमे को क़ुरान नहीं कहते, अरबी ज़बान में है और फरमाया ताकिलून तवक्को की जाती है कि तुम लोग अक्ल से काम लोगे लालम ताकिलून का मतलब क्या है कि पूरे किस्से में कहानी पर गौर नहीं करोगे कहानी से इबरत और नसीहत हासिल करोगे क्या हमारे अंदर कोई हसद है क्या हम अपने भाइयों से हसद करते हैं क्या हम भी वही रवैया इख्तियार करते हैं जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने किया था या फिर उस औरत ने किया था जो हज़रत यूसुफ़ पर डोरे डाल रही थी तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा कि हम इससे क्या नसीहत और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और फिर ये भी कि अशियत क्या होती है कल तक जो मजलूम और महकूम था अल्लाह ताला उसी को हाकिम बना देता है कल तक जिस पर वो जुल्म ढा रहे थे उसी के आगे भीख मांगते हैं कि हमें कुछ गल्ला दे दीजिए और फिर एक भाई है वो उन्हें माफ़ कर देता है और कहता है ला तसरीबा आल तो ये है वो नसीहत जिसके लिए कहा जा रहा है ये किताब हमने अरबी जबान में नाजिल की है लाकुम उम्मीद है कि तुम लोग अक्ल से काम लोगे और इससे दरसो नसीहत लोगे फिर फरमाया कि नहन नकुसोलै का अहसन अल्कस मोहम्मद आसम आपको अहसन अल्कस बयान कर रहे हैं बीमा अवहैना इले का हजल क़रआन और इससे पहले आप इस वाक़े से बिल्कुल बेख़बर थे अहल मक्का जानते ही नहीं थे बनी ये तो बनी इसराइल के वाक़ात हैं और हुआ क्या सबसे पहले कि हजरत यूसुफ़ ने अपने वालद से कहा या अब ती रई तो व शमस वमर रई तुह ली सादीन अब बेटा है देखिए ये पंद्रह साल साल की पंद्रह सोलह साल की उम्र में बेटा अपने वाल हज़रत याकूब से कहता है कि अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि ग्यारह सितारे हैं और सूरज है और चाँद है ये मुझे सजदा कर रहे हैं अब देखिए नबी बनाए जाने से पहले ही अच्छे ख़्वाबों के जरिए से सच्ची बातें इल, इल्का की जा रही हैं और नबूवत का तमही नबूवत की तमहीद होती है अच्छे और क़ब और रसूलुल्लाह सजम के साथ भी यही मामला हुआ कि वही के आगाज़ से पहले छः महीने पहले से आपको अच्छे ख़ाब आने लगे सच्चे ख्वाब आने लगे सादिका इसका नज़ुल शुरू हो गया अच्छा देखिए वालिद भी नबी हैं दादा भी नबी हैं परदादा भी नबी हैं इब्राहिम भी नबी है उनके बेटे इसहाक भी नबी है और उनके बेटे याकूब भी नबी और पड़ पोता खाब देख रहा है तो वाली क्या कहते हैं का अला इस का इस तस्करा अपने भाइयों से न करना कायदा वनत तो वो एक चाल चलेंगे तुम्हारे खिलाफ इन मुबीन अदबीन शुबा शैतान का खुला दुश्मन है अच्छा क्या मतलब है इसका इसका क्या मतलब है हजरत याकूब उस ख्वाब की तह तक पहुंच गए उन्होंने कहा कि एक वक्त यहाँ ग्यारह सितारों से मुराद ग्यारह भाई हैं और शम्स व कमर से मुराद हजरत याकूब और उनकी बीवी हैं। तो फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब तुम्हारे मातहत होंगे और बादशाह तुम्हारी होगी बादशाह तुम्हारी होगी तो इसीलिए वालिद वालद मोहतरम जो अल्लाह के नबी हैं वो ये कहते हैं ला तखस रूया का अखवतिक अपने भाइयों से इस ख्वाब का तस्करा न करना और इसका मकसद यही था कि आ, जो है अल्लाह ताला अपनी नेमत को बनी इसराइल पर मुकम्मल करे फिर अल्लाह ताला फरमाता है लक़त का नफी यूसुफ़ा व इकवत ही आयातलिस और ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था तो बताया जा रहा है कि ए, इसके क़स्से में उन लोगों के लिए एक दलील मौजूद है अच्छा आप देखिए ये जो भाई हैं तो ये बड़े भाई ये सारे आपस में साजिश करते हैं और कलु लूसुफ़ व अख़ूह अहबू इला अबीना मिन्ना व उस्बतुन वो कहने लगे हम दस भाई हैं लेकिन ये देखिए जो बीवी है इनके जो बच्चे हैं सौतेली हमारी वालदा हैं तो यूसुफ़ उनका भाई हमारे बाप को ज़्यादा महबूब है और कहने लगे इन अबाना लफी दलाली हमारे वालि साहब तो गुमराह हो गए हैं खुली गुमराही में मुबतला हैं तो ऐसा करो यूसुफ़ का कत्ल कर दो या फिर जो है कहीं ज़मीन पर छोड़ दो और और उसके बाद व तखून उमबाद ही कौमन साल ही और उसके बाद ये गुनाह करने के बाद तोबा कर लेना फिर अच्छे बन के रहना बाप के सामने तो उनमें से एक भाई कहने लगा अब ये तो कुछ भाई कह रहे थे कि कत्ल कर दो कि उनमें से एक कहने लगा ला तख्तुल यूसुफ़ यूसुफ को मत कत्ल करो व अलकुहफ़ी गया जुब्बी यल तकित सयारा इन गुंतु फायलिन उन्होंने कहा कि अगर करना ही है तो ऐसा करो किसी कुएं में डाल दो और सड़क के किनारे जो सड़क जाती है इंटरनेशनल हाईवे है जो फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ और मक्का मदीना की तरफ तो कोई काफ़िला इसको लेकर चला जाएगा तो अब उसके बाद ये हजरत याकूब के पास आते हैं ये दस भाई दो जो है वो सोतीली वालदा के हैं या बना तमन तमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लाना सऊद कहने लगे अब्बा जान क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते हालांकि हम उसके खैर खां हैं तो आप हमारे साथ भेज दीजिए तो वो खेल कूद लेंगे चरचुग लेंगे और हम उनकी हिफाज़त करेंगे तो हजरत यूसुफ़ ने कहा कि मुझे ये अंदिशा लगा रहता है कि तुम इसको लेकर जाओ और कोई भेड़िया उसको खा ले और तुम लोग उससे गाफिल हो जाओ तो वो कहने लगे कल इन्ना लखासिरून, जबकि हम इतनी बड़ी जमात हैं, दस हैं, बड़े हैं दस लोग हैं तो भेड़िया कैसे गाएगा तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम तो खसारे में रहेंगे फिर हुआ ये कि लेकर चले गए फलम माजा हबूबी और ये तय हो गया कि कुएं में डाल देना है और फिर क्या हुआ वजाऊ अबाहुम ईशा अन यबकून सुबह सवेरे ले गए शाम को लौटे अब सुन लीजिए ये जैसे फिल्मीन अदाकार होते हैं ये ड्रामों के अदाकार होते हैं ये दस भाई भी इसी तरह के अदाकार थे अब ये किरदार को समझिए आप जब आदमी झूठ बोलता है और हसद में मुबतला हो जाता है तो कैसे कैसे ड्रामे करता है चोरी करता है कैसे ड्रामे करता है तो शाम को आए वालिद के पास आबकून रोते हुए आए और उस उन्होंने कहा कि हम खेल रहे थे और हमने इस सामान के पास यूसुफ को छोड़ा था फ अकलो तो भेड़िए ने आके खा लिया आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद सुनिए अब झूठ पर झूठ और झूठ की दलील झूठ की दलील भी झूठी जैसे अदालतों में लोग करते हैं के एक गवाही के लिए फिर वो दूसरी झूठी गवाही पेश करते हैं वजाऊ अला कमीसही बिदमन कذب और एक कमीज भी लेके आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यानी कमीज उतार के उनको कुएं में डाला अब कमीज को पर जो है किसी का खून भी लगा के ले आए पता नहीं इंसान का था बिल्ली का था कुत्ते का था अब जाहिर है कि ड्रामा तो करना था अपने वालिद के सामने झूठा खून लगाकर कमीज पर आए देखिए आदमी जब बुरे जहन का हो जाता है तो कैसे कैसे वो तैयारी करता है अब हजरत याकूब ने कहा सवालत लकुम अनफ सुखम अमरा फुर जमील वमुस्तान तसिफून ये सब्र जमील देखिए ये लफ्ज़ दो मरतबा आया है आयत नंबर अट्ठारह में भी आया है आयत नंबर तिरासी में भी आया है यानी पहले बेटे महबूब बेटे के ग़ायब होने पर भी और दूसरे महबूब बेटे बिन यमीन के गायब होने पर भी तो ए, सबर जमील बूढ़े हो गए हैं हज़रत याकूब बूढ़े हो गए हैं लेकिन ख़ूबसूरत खूब ख़ूबसूरत सब्र ये क्या है कि आहो फ करना और अल्लाह की ना शुक्री न करना अल्लाह का कि शुक्रिया कलीमात हमेशा अदा करना तो उसके बाद हुआ यह कि अब यहाँ से अब फिर जाइए वहाँ कुएं की तरफ जाइए वहाँ पर एक काफिला गुजर रहा था और उन्होंने कुएं के अंदर डोल डाला और वह आदमी कहने लगा या बुशरा हाजा गुलाम वो कहने लगे खुशखबरी हो यहाँ तो एक लड़का मिल गया है और वह असर हो बिमा व्लिमायामल तो उन्होंने उसको सामान में छुपा लिया और व शाह रऊ भी समन बख्सिन दरा ही मादूदा व कानूफी ही मना जाहिदी अब मिस्र ले जाकर उन्होंने सस्ती क़ीमत पर हज़रत यूसुफ़ को बेच दिया और दराहिम ही में मदूदा के एवज़ और वह उसके लिए ज़्यादा के तलबगार नहीं थे अच्छा जिस आदमी ने आ, उन्हें ख़रीदा था वो अज़ीज़ मिस्र था वहाँ का कोई बड़ा वज़ी वजर अज़म तो उसने अपनी बीवी से कहा अक्रम हो असाइनफ आना और वदा कि इसके साथ इकराम का मामला करना अच्छा ठिकाना फ़राहम करना शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना ले इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को वहाँ अब अब शाही ख़ानदान में महल के अंदर पहुँच गए हैं देखिए अब आप और ये शाही चीज़ों की तरबियत हो रही है अब हुक्मरानी की तरबियत हो रही है हैं तो वह ग़ुलाम लेकिन महल के अंदर हैं अब उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको तावील अहादीस का ख्वाब की ताबीरों का इल्म अता फरमाया और अब उसके बाद वलमा बलगा अशुद्ध आतयीना हुक्म इल्म व कदाली का नज़ल मोहसिन और जब वो बालिग हो गए और बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हकम हुक्म और इल्म से नवाजा इन हकमत की बातों से और फ़ैसला फैसले की बातों से और क़ानून से और इल्म से नवाजा अब देखिए क्या होता है महल के अंदर वरा वह तो हुआफ़ी बैतिहाफसी वतिल अब ये की जवानी है और हज़रत यूसुफ़ की जवानी है अब बादशाह की बीवी उन पर फरीफ्ता हो जाती है और दरवाज़े बंद कर लेती है और कहती है हई तलक आ जाओ अजल्ला हज़रत हज़रत यूसुफ कहते हैं अल्लाह की पनाह के इनहू रबी अहसन मसवाया कि अल्लाह मेरा रब है अल्लाह की पना उसने मुझे कितनी खूबसूरती से अच्छी जगह रखा कि मैं कुएं में डाल दिया था भाइयों ने और महल में पहुंचा दिया अब उसके बाद क्या हुआ व लक़द हमद भी वह हम भी हा लौला बुरहान रबी अब वो आगे बढ़ी हज़रत यूसुफ़ की तरफ हज़रत यूसुफ भी आगे बढ़ जाते जवानी थी ना आगे बढ़ जाते अगर अल्लाह की बुरहान को ना देखते फिर क्या हुआ वस्त ब कल बाबा वद्दत कमी सहु मिन दो बोर तो अब वो ए, ए, दोनों दरवाज़े की तरफ भागे आगे आगे हज़रत यूसुफ़ हैं वो, हालांकि दरवाज़ा बंद कर दिया था औरत ने पीछे पीछे खातून है और व अलफया लदल लदलबाप दरवाजे पर वहाँ उन्होंने वो दरवाज़ा जब खोला और पीछे से इन्होंने जो है पकड़ लिया था खातून ने कालत माँ जजा उमन अरा दबी अहली कसून इला ओ आजाबन अली अब देखिए वो ख़ातून कितनी मक्कार थी कितनी मक्कार थी डोरे खुद डाले और पीछे से हजरत यूसुफ की कबीस खुद पकड़ी और हजरत यूसुफ़ ने कहा था माज़ अल्लाह और जैसे ही दरवाज़ा खुला और सामने मर्द को देखा कहने लगी उस शख़्स की क्या सज़ा हो सकती है जो औरत को बुरी निगाहों से देखे या तो उसको जेल में डाल दिया जाए या उसको दर्दनाक अजाब सजा दी जाए तो हजरत यूसुफ बेचारे जो गुलाम थे वो कहने लगे अन्नसी। इसी खातून ने मुझे अपनी तरफ बुलाया था तो अब वहां पर देखिए वह शाहिद शाहिद मीन अहलिया अब वहां लोग जमा हो गए तो मीन अहलिया का मतलब ये है यहाँ कि लड़की का कोई बाप था या लड़की का भाई था वो ख़ातून का जो भी था वो आ गया उसने कहा वो उसने गवाही दी अब ये भी होता है देखिए कि गवाही भी आई तो कहाँ लड़की की तर की रिश्तेदार की तरफ से अल्लाह की तरफ से कैसी ग़ैबी मदद आती है तो उसने कहा कि अगर ये कमीज अगर ए, सामने की तरफ से फटी हुई हो तो फिर औरत सच, सच्ची है और ये झूठा है और अगर ये कमीज़ पीछे की तरफ से फटी हुई है तो ये औरत झूठी है और हज़रत यूसुफ़ सच्चे है और जब देखा कि कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो वो आदमी जो उस ख़ातून का रिश्तेदार था उसके ख़ानदान से का था वो कहने लगा इन्नहु मिन कई कहने लगा कि ये तुम औरतों ही की साजिश है इन न कही अजीम औरतों की बातें बड़ी साजिशी होती हैं इन न कही दखन उसके बाद अब वो सुलह सफाई करता है वो आदमी जो औरत का रिश्तेदार है ना वो कहता है यूसुफ़ आरिद नहाजा यूसुफ दरगुजर कर बस क्या करें बेगम साहब बेगम साहब की है छोड़ी उसके बाद वो ख़ातून से कहने लगा वस्तकफरीज़म की अये औरत अपने गुनाहों पर इस्तफ़ार कर इसका मतलब ये है कि वहाँ हज़रत यूसुफ़ अल वसलाम से पहले भी कुछ ईमान की रमक वहाँ मौजूद थी और लोग इस्तफ़ार इसको गुनाह समझते थे और उसतफ़ार उसके बाद हुआ ये वाला नस्वतुलफ़िलदीन इमरतल थुराविदताफ़ी क़द शब्बा इन्फी मुबीन अब जो ये जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी इसकी सहेलियों में प्रोपागिंडा शुरू हो गया कि इस ख़ातून ने यूसुफ़ पर डोरे डाले हैं और ये हज़रत यूसुफ़ की मोहब्बत में पागल हो चुकी है और हम तो देखते हैं कि वो जो है खुली गुमराही में है अब वो सुना ख़ातून को पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा हो रहा है कि मेरे बा बारे में ये बात कही जा रही है कि मैं हज़रत यूसुफ़ की महब्बत में गिरफ़्तार हूँ तो فلما سمعت अरसलत इलेन व आदत व لهن متكئا मुत्तकी كل आत منهن سكينا सक वालत खुरुज अल हन्न अब वो उसने कहा कि अच्छा मैं एक काम करती हूँ उसने सारी औरतों को अपनी सहेलियों को बुलवाया और उसके बाद कहा कि तुम लोग यहाँ बैठ जाओ लाइन से बैठ जाओ मैं और हर एक के हाथ में एक एक फल दे दिया हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया और कहा कि इसको आप लोगों को काटना है और उसके बाद हजरत यूसुफ से कहा कि तुम यहाँ से इन औरतों के पास से गुज़रोगे फलम्मा न हो अकबर न हो वकत्था न आई दिया अब वो यूँ समझ लीजिए कि जैसे वो कैट वॉक होती है ना आपने देखा होगा बिल्कुल इसी तरह का मंजर मालूम हो रहा है या उससे बहुत आला कोई चीज़ होगी कि औरतें लाइन से बैठी हुई हैं हर एक के हाथ में एक फल है एक छुरी है और बाएं हाथ में फल और दाएं हाथ में छुरी है और हद यूसुफ वहाँ से गुजर रहे हैं जैसे ही देखा उन्होंने और उनकी बड़ाई बयान की और, और अपने हाथ काट लिए वक्ल नहाशल्ला माहाज़ा बशरन कहने लगी अल्लाह की पना ये तो इंसान नहीं है इल्ला मलकुन करीम ये तो एक बहुत ही मुकर्रम फरिश्ते हैं और उसके बाद वो ख़ातून कहने लगी अच्छा तुम इल्ज़ाम हमें देते थे तुम्हारा अपना निकल आया मुझे कहते थे ना ये बताओ तुमने अपने हाथ क्यों काट लिए कि मैं अगर यूसुफ के हुस्न में गिरफ्तार हुई हूँ तो हजरत यूसुफ है ही ऐसे तो उसके बाद फक फजाली खुन्न लजी लुम थीफी वन फा समा आमरू लुस वाल यखू न अब उसके बाद वो कहती है कि हाँ मैंने ही यूसुफ पर डोरे डाले थे लेकिन ये बच निकला फस्ता समा देखिए अब यहाँ अम्बिया क्या होते हैं मासूम होते हैं उसके बाद वो कहती है अगर वो जो कुछ मैं कहूँ मेरी बात को न माने तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और वो जलीलुकारार होकर रहेगा मुझे उसको मेरी बात माननी पड़ेगी ये है देखिए उस औरत की चाल अब अजीज मिस्र की बीवी धमकी देती है कि अगर वो मेरी बात नहीं मानता वो हमारा गुलाम है और हमारा मातहत है तो फिर या तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर दर्दनाक अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा हज़रत युसुफ़लात वसलाम अल्लाह के आगे हाथ बुलंद करते हैं कहते हैं रब्बी अजनो अहब्बूयनी कहते हैं कि अल्लाह मुझे जेल ज़्यादा महबूब है बनस्बत वो काम जिसकी तरफ ये बदब ख़ातून मुझे दावत दे रही है और अगर तू मुझे इस फितने से महफूज न रखे तो शायद मैं इसमें गिरफ़्तार हो जाऊं व अकुम मिनलजाह और मैं शा, जाहिलों में शामिल हो जाऊं तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ़ की दुआ कबूल फरमाई और उस औरत के दाम से हज़रत यूसुफ़ को महफूज रखा और उसके बाद हुआ ये कि वो बिल आकर जेल में पहुंचा दिए गए और यही होता है आज भी क्या दुनिया की अदालतों में नहीं होता क्या पाकिस्तान की अदालतों में नहीं होता कितने बेगुनाह लोग हैं जो जेलों में मौजूद हैं और कितने قاتل हैं जो आज़ाद दन दनाते फिर रहे हैं किसी झूठे पर इल्ज़ाम लगा दिया उसको जेल पहुंचा दिया तो ये यही होता है हज़रत यूसुफ जेल में चले गए फिर क्या हुआ तो वहाँ जेल में दो और लोग दाखिल हुए मुलजिम थे मुजरिम थे जैसे भी थे और उन दोनों ने कहा कि हमने ख्वाब देखा है एक ने कहा कि इन्नी अरानी आसिरु हमर मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने कहा इन्नी आरानी आहमीलफोकर खुफजा खुबज़ा ताकुलु तैरु मनु तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सर के ऊपर रोटी देखी है और उस रोटी को परिंदे खा रहे हैं नबी नाबी तावील ही तो बताइए कि इसकी ताबीर क्या है तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा तो इससे पहले के खाना आता है मैं बता दूंगा और उसके बाद आप सुन लीजिए वो वहाँ भी अपनी दावत तबलीग जारी रखते हैं जेल के अंदर और जेल में कौन सी दावत है तोहहीद की दावत है अब देखिए क्या कहते हैं वो तो ये मालूम हुआ अब देखिए साथ साथ जरा मैं उस पर तबसरा भी कर रहा हूँ किस्सा सुनाते हुए और आपको बता रहा हूँ कि हम हमें क्या करना है अगर हम इन हालात में गिरफ़्तार हो जाएं जेल पहुँच जाएं ज़ाहिर है कि बहुत सारे जेल में गए हैं और हक की खातिर गए हैं और मजलूमाना तौर पर गए हैं तो वहाँ तोहद की दावत आम करनी चाहिए वो वो कहते हैं कि मैं पैरोकार हूँ अपने बाप दादा का मिल्त आबाई इब्राहिम व इसाक़ व याकूब मा का ना अनु नशर कबिल्लाश और हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शिरक करें मैं इब्राहिम और याकूब का पैरोकार हूँ ज़ालिका मिनफल ला आलैन वाला नास कि ये हम पर और लोगों पर अल्लाह का बड़ा करम है और उसके बाद वो सवाल करते हैं या साहिब अरबाब मतफ्र खरुन अमिल्लावादुल्क़ार अब वो कहते हैं अय मेरे जेल के दो साथी हो ये तो बताओ क्या मुतफ्र खुदा बेहतर हैं या एक वाहिद और कहार एक जबरदस्त खुदा या छोटे छोटे बेशुमार खुदा बताओ जरा तुम्हारी अक्ल क्या कहती है देखिए कैसा इसतदलाली अंदाज है वो जेल के साथियों को मुसलमान करना चाहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं माँ ताबो नमीन अमींदू इल्ला अस्मा असमा उन सब तुमो तुम लोग जिन खुदाओं को पुकारते हो ये महज नाम ही नाम है इसका कोई वजूद नहीं है कोई गौस नहीं होता कोई कुतुब नहीं होता सब अफसाने हैं ये गौ आज़म कोई नहीं होता सब अफसाने इनका कोई वजूद नहीं है और माँ अनज्लाबिया मीन सुल्तान अल्लाह ताला ने इसके लिए कोई दलील नाजिल नहीं की उसकी बात देखिए बुरी अहम बात कहते हैं वो इनकम इल्ला लिल्लाह कानून किसी और का नहीं अल्लाह का होगा इनकम इल्ला लिल्लाह यानी अब देखिए इन्हें मुस्तबिल में मिस्र का हाकिम बनना है कानून अल्लाह का चलेगा हलाल हराम अल्लाह के होंगे अल्लाह के लिए नमाज होगी रोज़ा होगा हज होगा चाहे वो वजू हो चाहे वो गसल हो तहारत हो क़ानून अल्लाह का चलेगा शादी हो जिना हो सूद हो तिजारत हो क़ानून अल्लाह का चलेगा दुनिया के हर मामले में इबादत में और माशरत में शादी ब्याह में निकाह तलाक़ में और लेन देन में हुकूमत में सियासत में क़ानून अल्लाह का चलेगा अकायद में इक्म अः नहीं है हुक्म मगर सिर्फ़ अल्लाह का अमारा अल्लाह ताबू मुझे अल्लाह ने ए, हुक्म दिया है कि तुम लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो ये सीधा दी, दीन है लेकिन अक्सर अक्सर लोग नहीं जानते अब देखिए ये खाब की ताबीर बताने से पहले तो बयान करते ठीक है मैं ताबीर तो बता दे दूंगा क्या मसला है ताबीर एक छोटी सी चीज है लेकिन असल बात जो बताना चाह रहा हूं मैं ये है तुम्हारी जिंदगी इसमें है कि तुम तोह ही कबूल कर लो शिर को छोड़ दो उसके बाद वो ये कहते हैं कि एक आदमी तुम में से वो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा जिसने कहा था ना आसर कमरा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं और दूसरे ने जो ख्वाब देखा था कि उसके सर पे रोटी है और परिंदे खा रहे हैं तो उसने कहा गया फयुस लबू फता इस आदमी को फांसी दी जाएगी लजीफी ही ये फैसला हो चुका है जिसके बारे में तुम दोनों सवाल कर रहे थे तो अब वो जो अब उसमें एक आदमी को तो सजाए मौत होने वाली थी फांसी होने वाली थी दूसरा बच जाएगा तो वो दूसरा जो बचने वाला था जो बादशाह को शराब पिलाने वाला था उससे वो कहते हैं कुरनी इंदर रब्बे अपने रब से मेरा ज़िक्र करना जब तुम वहाँ बादशाह के करीब जाके उसको शराब पिला पिलाओगे तो मेरा ज़िक्र करना कि मैं कौन हूँ यानी बताना बताना कि मैं बेगुनाह यहाँ जेल में आ गया हूँ उसको बताना कि मैं तौहीद Uh, का इल्म रखता हूँ और मैं इब्राहिम अल्लाम और याकूब और इसहाक़ का कि के ख़ानदान से हूँ पैगंबरों के और मैं शर्क से नफ़रत करता हूँ मेरे बारे में बताओ और मैं ख़्वाबों की ताबीर बता देता हूँ मैं कौन हूँ ये बता देना फ़नसा हुशैतान ज़िक्र रबी फ़लबी सफ़ी सशनी बिद आसिन तो बिदा तो कहते हैं तीन से नौ तक तो अब गालिबा नौ साल तक हजरत यूसुफ को वहाँ जेल में रहना पड़ा किस वजह से शैतान ने उस आदमी को भुला दिया था हालांकि जाके फ़ौर बता देता जब नौकरी मिल गई थी उसको बादशाह के पास बता देता कि मैं आपको एक एक बड़े आदमी से मिलाना चाहता हूँ नहीं क्या शैतान ने उसको भुला दिया फिर जब बादशाह ने एक, एक ख्वाब देखा और लोगों से और अहल दरबार से ताबीर पूछी उस वक्त उसको याद आया हाँ हाँ एक बड़ी अजीम शख्सियत की जेल में मौजूद है और उससे मेरी मुलाकात हुई थी जिसने मुझे सही ताबीर बताई थी तो फिर उस वक्त वो ज़िक्र करता है अब बादशाह जो है वो कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि सात मोटी गायें हैं और सात पतली गायों को वो खा रही हैं और सात बालियां हैं सप्स और साथ ऐसी हैं जो खुश्क हैं और उन दरबारियों से वो कहता है यालमलाउ अफतूनी रुया या इनकुन तुम लिर रुया ताबर मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ताबीर ख़्वाब का इल्म रखते हो क़ाल अहलाम वो कहने लगे क्या बेकार ख़्वाब है तो ये ये परेशान खवाबी है कि मोटी गाय पतली गाय को खा रही है और बसबुलत हैं सूखी हुई और सब्ज़ उन्होंने कहा कि वमाना नवील में भी आलिमीन, हम ख्वाब की ताबीरों का इल्म नहीं रखते अब वो आदमी जो जेल में था और वो जो बादशाह का खादिम था उसने कहा वद्दकरा बाद उम्मतीन। अच्छा देखिए यहाँ उम्मत का मतलब है इद्दत खरा बादा उम्मतीन, बादा इतन उम्मत का एक मतलब तो ग्रोह का भी है उम्मत तरीकेकार को भी कहते हैं और उम्मत मुद्दत को भी कहते हैं जरा होशियार रहना यहां तो उसने कहा उसको जमाने के बाद याद आया। यानी विदा सिन के बाद गालिबा आठ नौ साल के बाद याद आया उसको तो अना उनब कुम्बिताविल ही फारसी लोनी उसने कहा कि मैं इसकी ताबील बता सकता हूँ अगर तुम मुझे भेजो वो फौरन पहुँच गया जेल और वहां जाके कहने लगा यूसुफ अयुहद सिद्दीक अफ्तिना अब वो कहने लगा कि ये ख्वाब बादशाह ने देखा है इसकी ताबीर बताओ और ताकि मैं जाकर उनको बताऊं हज़रत यूसुफ ने जवाब दिया तजरा ऊ न सब असिनी न तुम सात साल तक खेतियां बोते रहोगे और जो कुछ तुम काटोगे उसको उसी बालियों में रखो दाने को अलग मत करो सिवाय जो तुमको फ़ौरी तौर पर खाना है उसके बाद सात साल बड़े सख्त आएंगे साली के होंगे वो जो तुमने बालियों में महफूज रखा है उसी को तुम्हें खाना पड़ेगा सात सालों तक और उसके बाद फिर सात सालों के बाद फिर खूब बारिशें होंगी और तुम निचोड़ोगे और बहुत अच्छी पर... तो अब ये देखिए हुक्म बादशाह परेशान हो जाते हैं जब आवाम में लोग भूख से मर रहे हों कहत साली हो तो ये ख्वाब जो है वो सच्चा खा उसकी ताबीर मिल गई जिसके बारे में लोग क्या कह रहे थे कि परेशान ख्वाब है उल्टे पुलटे पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें देख लेते हैं बादशाह जी मजाक उड़ा रहे थे बादशाह का तो बादशाह ने कहा इ थू नी भी वो उस आदमी को मेरे पास ले आओ और अब उनके पास जब वो पैगंबर आया तो हजरत यूसुफ ने कहा इर्ज इला रबिक फस मा हु निसवती क़ता न कताना दी तो इन न रबी भी कैदी अली तो कहा कि जाओ अपने बॉस से कहो वो पहले इन्वेस्टिगेशन करें कि औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे यानी हज़रत यूसुफ़ ये कह रहे हैं मैं जेल से उस वक्त तक नहीं जाना चाहता जब तक कि मैं बाज़्ज़त बरी ना हो जाऊँ मैं वैसे मुफ्त में छूटना नहीं चाहता मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा है पहले इल्ज़ाम साफ हो पहले, पहले, पहले शहादतें जमा करो तो अब उसके बाद तो वो वहाँ से जवाब मिल गए और लोग वो औरतों ने कहा हा शल्ल माँ अलिम्ना अलि और उन्होंने कहा कि हमें इस शख्स के बारे में कोई बुरी बात का इल्म नहीं ख़ालतिन अजीज अब देखिए वो जो प्राइम मिनिस्टर या वजीर की बीवी थी से मिस्र की बीवी कहने लगी अल हस हसल हक अब हक बिल्कुल वाज़े हो गया अन अरावत तो अन नफी मैंने ही उसको वर्गलाया था मैंने ही डोरे डाले थे उसके ऊपर व इन् नमिन सादकीकिन और वो यकीन हज़रत यूसुफ सच्चे हैं और अब उसके बाद हज़रत यूसुफ़ कहते हैं देखिए मैं इसी लिए तो कह रहा हूँ कि मैं ग़ैब में क़ियात करने वाला नहीं हूँ इन दी कई दल का इन उसके बाद अल्लाह तनत करने वालों को हिदायत नहीं देता उसके बाद वो ये कहते हैं मैं अपने नफ्स को बड़ी उजीमा करार नहीं देता इन नफ्स लम्मा रतुम बसु यकी नफ्स बुरे कामों का हुक्म देता है इलामा रही रबी यहीं मतलब ये यह है कि मैं भी जवान था मेरे अंदर भी जज्बात थे लेकिन अल्लाह का रहम हुआ इल्ला मा रह रब्बी और इन न रबी गफ़ोर रही और उसके बाद बादशाह कहता है ई तूनी भी अस्त नफसी अब वो जेल से बाहर ले आओ मेरे पास मैं अपने लिए इनको ख़ास कर लूँगा फ़लम महकाल इन न कल मकीनुन अबे अब सारी बातें उन्होंने बता दी हज़रत यूसुफ़ ने कि किस तरह वो कहाँ के रहने वाले हैं कौन है, क्या ख़ानदान है क्या दावत है क्या अकीदा है और उनकी हैसियत क्या है और बादशाह ने देख लिया था कि उसके ख्वाब की सही ताबीर उसे मिल गई थी और उन्होंने कहा कि आज से मेरे पास आप अमीन बनकर एक जिम्मेदार अहदे पर रहेंगे लेकिन हज़रत यूसुफ़ यह कहते हैं सुनिए गौर से यहाँ मौलानादीन ने एक अहम नुक़ा बताया है मैंने तो मुझे तो पढ़कर पहले तो बड़ी हंसी आई लेकिन जिस तरह मौल मदूदी अपने मुखालफी पर वार करते हैं और तंस के तीर चलाते हैं तो वाकई वो बड़ी अजीब गरीब चीज़ है तो वो कहते हैं कि हज़रत यूसुफ किसी मुलाजिमत की तलाश में नहीं थे कि जेल से छूटे तो वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी मिलता है वहाँ बादशाह के दरबार में मैं मुलाजिमत कर लूँ नहीं वो कहते हैं इचअलनी अज़ा इनद अली वो ये कह रहे हैं कि मुझे खजाने जो है ज़मीन के खजानों पर मुकर की अला मैं हफीज और अलीम हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ मैं हिफाजत करूँगा और अमानत दारी के मैं अमीन हूँ और हफीज हूँ और अलीम सुनिए मैं जो है मैं खियानत करने वाला नहीं हूँ पहले बात आ चुकी थी यहाँ हफीजुन अलीम आ रहा है यानी मेरे पास इल्म है कौन सा इल्म है गैब का इल्म है अल्लाह जो इल्म अम्बिया को देता है वो इल्म है मैं नबी हूं मैं हिफाजत करूँगा तो और मुझे खजाने चाहिए यानी मुझे छोटी मोटी कोई नौकरी नहीं चाहिए मैं पूरे मिस्र को तो के रंग में रंगना चाहता हूँ और पहले वो बयान कर चुके थे इल्ला अल्ला कानून नहीं है मगर अल्लाह का ये है वो नुक्ता जो समझने वाला है कि मैं मिस्र के ऊपर अल्लाह का कानून नाफिस करूंगा मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं चाहिए देखिए ये अल्लाह की तदबीर कहाँ फलस्तीन का ये अजीम खानदान के वालिद भी पैगंबर दादा भी पैगंबर परदादा भी पैगंबर और अब ये पढ़ पोता भी पैगंबर और ये किस तरह भाइयों की से कुएं में जाता है बेच दिया जाता है ग़ुलाम की हैसियत से फिर उसके बाद वो जेल में आठ नौ साल गुजारता है और उसके बाद फिर वहाँ भी तबलीग करता है और बिल आखिर बादशाह के दरबार और वो क्या कहते हैं इजलनी अला खज़ा इनअर्द इी अलीम अब ये देखिए हुक्मरानी के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है अब ये जितने हुक्मरान हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी देख रहे हैं ना झूठे कहीं के ये कहते हैं हम इस्लाम नाफिज करेंगे ना इनके पास कोई मुशावरत होती है ना इनके पास कुरान का इल्म होता है ना हदीस का इल्म होता है अलीम इसके लिए अलीम का होना ज़रूरी है हफीज़ का होना ज़रूरी है ये ख़जाने में ख़ियानत करने वाले ये बदानत और ख़ाइम क्या ये हुक्मरानी का इस्तेहकाक रखते बिल्कुल नहीं रखते क्या कुरान और सुन्नत का इलम है इनके पास नहीं है वह कदाली का मक्कना यूसफिला इस तरह अल्लाह सुबहाना व ने तजरत यूसुफ को वहाँ की सरजमीन का हुक्मरान बना दिया अब देखिए यहां से ये कहानी ये सच्चे सच्चा किस्सा अपना एक नया पहलू बदलता है अब हजरत यूसुफ को पूरा इख्तियार है और वह वहाँ के ए, जो है हुक्मरान हैं पूरे इख्तियार उनके पास हैं और अल्लाह का क़ानून है अल्लाह का क़ानून है तो अब ये पहली दफ़ा होता ये है कि वहाँ फ़लस्ती में क़ैद पड़ता है और हज़रत अलैहिस्सलाम के भाई फ़लस्तिन में आते हैं और आठ दस साल गुजर चुके हैं आठ दस साल गुज़र चुके हैं क्योंकि जेल में की ज़िंदगी भी थी और इनको बेचा गया था और चेहरे भी बदल गए हैं बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया है तो तो हज़रत यूसुफ के भाई आते हैं और फ आर फम वहम लहुम उनकी रूट हज़रत यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया लेकिन भाई हजरत यूसुफ को नहीं पहचान सके और जब ए, जब वो, वो जाने लगे तो ए, तो जहाज़ा हूँ भी जहाजम तो उनको जो सामान वगैरह देना था वो दे दिया और उसके बाद कहने लगे कि तुम जो है उस उस भाई को जो तुम्हारे बाप से है देखिए ये नहीं कहा तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाप का जो भाई है यानी सौताला भाई उसको मेरे पास ले आओ अल्ला तो रो न इन्नी अवफुल्कैला वैरमज आप देख रहे हैं ना कि मैं कितना खैरमजिल हूँ मैं बेहतरीन मेहमानी करता हूँ और मैं पूरा पूरा आपको गल्ला देता हूँ और उसके बाद वो धमकी देते हैं अगर वो आप जो वो दूसरे भाई को नहीं लाएंगे तो आपको ए, कोई ए, कैल नहीं मिलेगा और ना आप मेरे यहाँ मकर्रब रहेंगे तो कहा कि ठीक है हम अपने वालिद के पास जाते हैं उनसे बात करते हैं और उसके बाद हजरत यूसुफ़ अपने किसी कारिंदे को कहते हैं कि कि इनका जो सामान है ये इनकी रिहाल पर इनके ऊँटों पर रख दो ताकि वो वहाँ जाएं तो याद करें भूल ना जाएं तो इसके बाद वो अपने वालिद के पास फ़लस्ती पहुँचते हैं अभी और वो कहते हैं अब्बा जान मुनिया मिनलकैलू माना अखाना नक्तलु व लाफिजून कहने लगे कि बिन यमीन को हमारे साथ भेज दीजिए और ताकि हम अपना माल लेकर आएं आए और हम हज़रत बिन यमीन की हिफाज़त करेंगे उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम पर इसी तरह भरोसा करूं, जिस तरह मैंने पहले हज़रत यूसुफ़ के बारे में भरोसा किया था फ़ल्ला ख़ैर हाफ़िज़ा वरहमर्ररा देखिए कैसे अल्फाज हैं हज़रत याकूब की ज़बान पर कहते हैं कि अल्लाह बेहतरीन हिफाज़त करने वाला है और वो तमाम रहम करने वालों से भी ज़्यादा अरहम है और उसके बाद आ, वो सामान खोला तो देखा कि उनका सामान वापस हो गया कहने लगे अब्बा जान तो हम ये नहीं चाहते थे ये हमारा सामान हमें वापस कर दिया गया है और तो हजरत याकूब कहते हैं ठीक है मैं उस वक्त तक ये अपने बेटे को नहीं भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह की कसम खाकर एक मीसाक न कर लो कि तुम जो है इसकी हिफाज़त करोगे तो उन्होंने कहा अल्लाह अलामा नकुल वकील अल्लाह की कसम खाकर उन्होंने वादा किया अब उन्होंने नसीहत की कि बेटे देखो जब जा रहे हैं अब दूसरी मरतबा जा रहे हैं अभी तो देखो कि एक दरवाज़े से दाखिल न होना और उसके बाद क्या कहते हैं इनकमिला अब देखिए फिर वही बात आ रही है दूसरी मरतबा ये बात आ रही है याद है आपको वहाँ पहले ये बात आयत नंबर चालीस में आई थी और यहाँ ये बात सतासी में आ रही है अलह तवक्कल तवक्ल वहाँ हज़रत यूसुफ़ की ज़बान से आई थी यहाँ हज़रत याकूब की ज़बान से मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है और भरोसा करने वाले अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं और इसके बाद फिर होता ये है कि अब यह दूसरी मर्तबा फ़लस्तीन से मिस्र और वो उनका बड़ा एहतराम करते हैं तो उसके बाद हजरत यूसुफ अपने भाई बिनी को अकेले में ले जाते हैं और कहते हैं अना अनाकूक मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ और फला तप तस्मा माखानो या मलून देखो मायूस न होना जो ये तुम्हारे भाई करते रहे सौतेले भाई अब वो फिर काफ़िला जो है अपना माल लेके वापस जा रहा था तो उन्होंने क्या किया अपना जो सिकाया था वो भाई के ऊटने के ऊपर के अंदर रख दिया और एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया अयो अयत इन नकुम काफिले वालो तुम लोग चोर हो और सामान कहाँ रखवाया एक आदमी से कह के हजरत बिन यमीन के ऊँट में रखवा दिया तो तो अब तलाशी लेनी शुरू हुई उन्होंने पूछा क्या हुआ किस चीज़ की तलाशी ले रहे उन्होंने कहा कि बादशाह का प्याला जो है वो गुम हो गया है और कहा कि जो उसको ढूंढेंगे उसको एक ऊँट गला और मिलेगा वन कैमिल लोड तो अब वो कहने लगे अल्लाह की कसम भाई कहने लगे आपको पता है हम जमीन में फसाद करने के लिए नहीं आए देखिए यहाँ फसाद का लफ्ज चोरी के माने में इस्तेमाल हुआ है फसाद क्या है चोरी भी फसाद में शामिल है और हम चोर नहीं हैं तो उन्होंने पूछा वो जो हुकूमत के कारिंदे है कि जो है अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए तो उन्होंने कहा भाइयों ने जजा मन वजिदी रह ली कि जिसकी जिसके ऊँट में से वो प्याला निकलेगा उसको रोक लिया जाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा फ जजा वो कजाल क्या जालिमी अब भाइयों कहने लगे कि यही तो जालिमों की सज़ा होती है और अब क्या हुआ तलाशी शुरू की तलाशी कहाँ से शुरू की वो दूसरी तरफ से शुरू की और सबसे आखिर में वो आए हैं हजरत बिन यमीन की ऊंट की तरफ और ये कजाल का किदना लियू कज़ाली का किदनाली यूसुफ अल्लाह ताला फरमाता है हमने ये तदबीर हज़रत यूसुफ़ को सूचाई थी क्योंकि बादशाह के कानून के तहत हज़रत बिन को मिस्र में रोका नहीं जा सकता था तो अब सुन लीजिए वो उनका अब पता चलता है कि बिन ने चोरी की है और प्याला बिनियमीन के ऊंट में से निकला है वो कहते हैं देखिए कैसे हासिद लोग हैं कहते हैं कालू यसर फ़कत من कबल अगर इसने बिनियमीन ने चोरी की है ना तो इसका जो भाई था वो भी चोर था उसने भी पहले चोरी की थी देख रहे हैं? कैसे झूठे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं देख रहे हैं आप और ये वजह क्या है ये सौतेली भाई का तासुब है अपने आप में पी गए उसको और उन पर जाहिर नहीं किया कि ये मुझे चोर कर मेरे मुंह के सामने मुझे चोर कर रहे हैं और मेरे भाई को भी चोर कह रहे हैं हालांकि ना मेरा भाई बिनियमीन चोर है और ना मैं चोर हूं देखो कैसे भाई है मेरे और उसके बाद वो कहने लगे या यूल अजीज इन लहु लहू अबन शैकन कबीरा फखुस आहदना मकान हो इन्ना नरा कमिन वो कहने लगे हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं हम तो कसम खा के आए हैं उसके बजाय जो है कोई दूसरा भाई रोक ले आप हम तो कसम खा के आए हैं तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा माज़ल्ला मैं तो सिर्फ उसी को मैं इंसाफ़ का खून नहीं कर सकता जिसके प्यास से पास से प्याला निकला है उसी को ले सकता हूँ वरना हम ालम होंगे तो अब उसके बाद देखे कि बादशाह तो वो बहुत सख्त है इंसाफ पसंद जिसके पास से प्याला निकला है उसी को रोक लेगा अब वो अकेले में बैठ चुपके चुपके बातें करने लगे तो उनमें सबसे जो बड़ा था काला कबीर वो कहने लगा गालिबा वो यहूदा था वो कहने लगा अलम तम अबाकुम मऊसी कबल तुम फ्यूसो अब वो उसके अंदर थोड़ी सी गैरत थी थोड़ी सी शर्म हया थी उसने कहा कि क्या तुम लोग नहीं जानते तुम लोगों ने अल्लाह की कसम खा कर अपने वालिद को से वादा किया था और इससे पहले तुमने जो कुछ हज़रत यूसुफ़ के साथ किया और वो कहता है फ़लन अब रहा अर दत्ता या जनली अबी तो वो वो ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ मिस्र में ही रहूँगा मैं तो वालिद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगा वह वकीर अ या फिर अल्लाह ताला फ़ैसला करे और जाओ अपने वालिद के पास और जाके बताओ कि तुम कि आपके बेटे ने चोरी की है और हम तो सिर्फ वही बात बताते हैं जो आ, है और अल्लाह जो है गैब का इल्म रखता है अब ये फिर दोबारा जा रहे हैं फिर फ़लस्तीन का मंजर आ रहा है अब जा कर अपने वालिद से कहते हैं कि आप उस बस्ती वालों से पूछिए और वो जो काफ़िले वालों से पूछिए और हम सच्चे हैं अब दूसरा बेटा भी गुम हो गया है हज़रत यूसुफ अब दूसरी बार कहते हैं बल सवलत लकुम अनफुसकुम अमरा फ जमील ये तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें ये सारी जो है चीज़ें सुझाई हैं मैं सब्र जमील करूँगा दूसरी मरतबा पहले बेटे की गुमशुदगी के बाद भी सबरन जमील कहते हैं और दूसरे बेटे के की गैब होने के बाद भी ये यही जुमले अदा करते हैं अब देखिए है। उसके बाद हज़रत यूसुफ के वाल हज़रत याकूब की हालत देखिए वो कहते हैं सुनिए वक़ाला यासफ़ा अला यूसुफ़ अफसोस देखिए बेटी की मोहब्बत कैसी है हज़रत यक़ कहते हैं या असफ़ा अलायूसुफ़ वद्दत अना हुसन और उनकी आँखें सफ़ैद हो गई गम के मारे और वो गम में खुट्टे हुए थे बेटे कहने लगे तल्लाही अल्लाह की कसम तफत तस्कुरु यूसुफ़ हत्ता तकुनु हरदन और तकुन मिनलकिन आपका भी अजीब हाल है आप तो बस यूसुफ यूसुफ़ ही की रट लगाए जा रहे हैं उसी को याद कर रहे हैं ये कैसी मोहब्बत है और आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे हज़रत याकूब कहते हैं इन्नम अश्कू बसी इल्ला इला व आलम उमिनल्लामाल तम मैं अपना गम और अपनी मुसीबत की शिकायत सिर्फ़ अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि हज़रत यूसुफ भी जिंदा हैं और हजरत बिन यमीन भी तो और उसके बाद अपने बच्चों से कहते हैं जाओ यूसुफ को और उनके भाई को ढूँढो और कहते हैं ला मिर असूम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना और इ नहूलासू माउमल का फ़िरोन अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफ़िर लोग ही मायूस होते हैं अब यहाँ से सूरत यूसुफ़ एक और मोड़ इख्तियार करता है और हज़रत यूसुफ़ के भाई तीसरी दफ़ा मिस्र आते हैं फ़लस्तीन से और गले के लिए आते हैं वहाँ और अब पहली मरतबा जब आए थे तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा था कि भाई को ले आओ बमीन को दूसरी दफ़ा जब आए तो वो भाई को ले आए और भाई को रोक लिया गया था एक बहाने के साथ कि भाई ने चोरी की है अब ये तीसरी दफ़ा आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें आप गल्ला दीजिए और उसके अलावा भी हम पर एहसान कीजिए व तसद अलैना मुत कहते हैं कि जो सदका ज्यादा देते हैं तो अल्लाह ताला उनसे उनको जजा देता है तो हमें ज्यादा दीजिए तो अब हजरत यूसुफ कहते हैं ये तीसरा दौरा है देखिए हल आलिम तुम फल तुम भी यूसुफ वाखी इज अं तुम जय क्या तुमको मालूम है तुमने यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या किया जब तुम हालत जहालत हालत में थे वो कहने लगे आ इ नकल अंत यूसुफ तो गोया आप ही हजरत यूसुफ हैं, काला अन्ना यूसुफ वहाजा अखी अब उस वक्त हजरत यूसुफ कहते हैं हाँ आना यूसुफ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन यमीन है कदम अब वो कहते हैं है, अल्लाह का ने हम पर एहसान फरमाया है इन्नः मैय तकी व यसबिर व इनदी ला व अजरल मौसमिन अब यह है सबक जो बताया जा रहा है इबरत के ये है कि जो शख्स अल्लाह से बच बच के डर डर के चलता है और साबित क़दम रहता है अल्लाह पर पूरा अहतम यसबिर का मतलब है अल्लाह पर पूरा अहतम रखता है डटा रहता है तोहद के ऊपर तो अल्लाह तला ऐसे मोहसिन के अजर को ज़ाय नहीं करता उस वक्त उस वक्त वो कहते हैं अल्लाह की कसम लक़द आसर कालैना व इन खन नक़ात तो उस वक्त वह कहते हैं कि अल्लाह तिला शुबा आपको तरजीह दी है अब तस्लिम कर लेते हैं वो हसद जो उनके दिल में है उसको मान लेते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने आपको ज़्यादा खूबसूरत बनाया है आपको ज़्यादा दुनियावी दुनियावीदा दिया है आपके इख्तियारत हैं आपको माल दिया है कि आसर अ ख आसर खलना अभी उस वक्त तस्लीम करते हैं व इ न विन कल़ी बिलाशुबा हम ही ख़ताकार थे इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि ला तसरीबा अल कोमल्यूम आज तुम लोगों पर कोई गिरफ्त नहीं है यकफ़िर अल्लाह ताला तुम सबको माफ़ फरमाए हुआ अरहमर्रह और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है इसके बाद अब देखिए ये है नब के फैज़ानात और ये मुजदात हैं हज़रत यूसुफ़ के और ये बाप और बेटे दोनों के दरमियान दोनों नबी हैं हज़रत यूसुफ भी हजरत याकूब भी वो कहते हैं ये जबू बी कमीसी हाजा फाल अला वजह ही अभी बसीरा कहा कि ये मेरी कमीस है ये ले जाओ और ये वाल साहब के चेहरे के ऊपर डाल देना उनकी बीनाई वापस आ जाएगी वो तो नहीं बी अहलकुम अजमई अब ये जो दस भाई थे ग्यारह भाई थे तो इनकी बीवियाँ और बच्चे थे तो कहा कि अब तुम लोग करना ये कि पूरी तरह नकल मकानी करना पूरे बारह भाई उनकी जितनी भी बीवियां हैं बीस पच्चीस और जितनी भी उनकी औलादें हैं और वालिद साहब और वालदा मोहतरमा सब को लेकर अज़म़ाइन मेरे पास आ जाओ वलमा फ़सल तिल इला अबूहम इील अजीदूरी है यूसुफ़ लौला अब देखिए इधर से मिस्र से काफ़िला चला है चौथी दफ़ा ये आए हैं वो अब वापस जा रहे हैं फ़लस्तीन की तरफ उधर वहाँ फ़लस्तीन में हज़रत यकूब कर रहे हैं कि मैं तो अलैहिस्सलाम की खुशबू पाता हूँ और अगर आप मुझे न समझें कि मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ त्लाकलफ़ी दला कलकदीम वहाँ जो लोग थे वो कहने लगे आप तो उसी पुरानी गुराही में मुबिला हैं बस यूसुफ़ की याद है वही रट है यूसुफ यूसुफ फलमा अनजाबीरु और जब वो ख़ुशखबरी देने वाला आ गया अलका अला वजही फ़रतद बशीरा वो हज़रत यूसुफ की कमीज़ हज़रत याकूब के चेहरे पर डाल दी गई और हज़रत याकूब की बीनाई वापस आई उस वक्त हज़रत याकूब कहते हैं अलम अकुमी आलम ला माता मैंने नहीं कहा था मैं अल्लाह का नबी हूँ मैं अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बातें जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते अब बेटे कहने लगे कालू या बाना स्तफिर लाना जुनू बना इन्ना कुन्ना खात कहते हैं अल्लाए हमारे अब्बा आप हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए हमारे गुनाहों के बारे में गुनहगार थे قال سوف لكم ربي انه هو الغفور الرحيم। हज़रत यकूब कहते हैं कि मैं यकीनन तुम लोगों की मफफ़रत के लिए दुआ करूँगा और अल्लाह ताला हमेशा मकफ़िरत करने वाला है हमेशा रहम फरमाने वाला है तो अब वो फिर पाँचवीं मरतबा आते हैं पाँचवी मरतबा वालदिन के साथ आते हैं आ, आ, और वकालत खुलू मिस्रा इनशा अल्लामी और उस वक्त वो कहते हैं कि अमन के साथ अब मिस्र की सरजमीन में दाखिल हो जाना और वो आ, वराफा अलल आर्श। अब वही ही अल अरश अब हज़रत यूसुफ़ करते हैं कि अपने वालद और वालदा को तख़्त पर बिठा लेते हैं व खर्रहुसदा और भाई उनके सामने सजदा करते हैं और उसकी उस वक्त हजरत यूसुफ़ कहते हैं या अबती जान हाजा तवील रू या यामिन कबल क़द अल्हा रबी हक्का अब्बाजान ये है वो ख्वाब जो मैंने देखा था अल्लाह ताला ने इस ख्वाब को सच कर दिखाया वक़द आसनबी अल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छा है इस अखर जनी मिन सजन अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला और अल्लाह ताला न, आ, ने शैतान के फंदे से हमें आज़ाद किया शैतान ने हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान फूट पैदा कर दी थी इससे ये बात भी मालूम हुई शैतान ही करता है और वो कोई ना कोई जवाब ढूंढता है कि वो अलग माँ के हैं ये अलग माँ के हैं ये तासुब पैदा करता है तो लड़ाने वाला कौन होता है शैतान मियाँ बीवी को कौन लड़ाता है शैतान सगे भाइयों को कौन लड़ाता है शैतान सौतेले भाइयों को कौन लड़ाता है शैतान और उसके बाद वो कहते हैं रबी कद आते मिनल मुल्क अल्लाह तू ने मुझे बादशाह से नवाजा है मुझे ख्वाबों की ताबीर का है फातिर रसमाती वाल ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला अनथ वली दुनिया वाला आखिर ए ही इस दुनिया में और आखिरत में मेरा वली और मेरा सरपरस्त मेरा कारसाज़ है तवफ़नी मुसलि इस्लाम की हालत में मुझे मौत देना वालकम वाल और मुझे साले लोगों के साथ शामिल करना तो देखिए कैसी खूबसूरत दुआएं हैं जो अम्बिया व सलाम करते हैं और हालांकि ये बादशाह हैं और इनके पास अख्तदार है लेकिन कोई गुरूर नहीं है कोई तकबर नहीं है अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं अब देखिए यहाँ से ये आयत नंबर 102 है और 111 तक ये 10 आयत हैं ये अब इसका खुलासा है अब यहाँ किस्सा खत्म हो गया अब रसूलुल्लाह सासम को यहाँ से हिदायत दी जाती हैं और अब इसको समझना है कि मक्के में रसूलुल्लाह सासम को ये किस्सा इसलिए सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे भाई के लोग ए मोहम्मद आपके साथ बिल्कुल वही सलूक कर रहे हैं जो ने यूसुफ़ हजरत यूसुफ़ के साथ किया करते थे दाली कमिन अम्बागैब नूह ये गैब की ख़बरें हैं मोहम्मद सल्लाम जो आपको सुनाई जा रही हैं तो आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे अब यहाँ बातें आ रही हैं कि वमा अक्सर उन्नासी वल्हर तब मोबिन आए महमदा आपकी ख़्वाहिश के बावजूद बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाएंगे हालांकि आप कोई अजर क्या मुतालबा नहीं कर रहे हैं अब देखिए आयत नंबर एक सौ बड़ी अहम है एक सौ छः वमायमिन अक्सर हम बिल्ला वम मुशरिकून के बहुत सारे लोग अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन शर्क करते हुए इसमें नुकता यह है देखिए जो अल्लाह को नहीं मानता वह मुशरक़ नहीं हो सकता यानी मुशरक होने के लिए अल्लाह को मानना ज़रूरी है पहले अल्लाह को माने फिर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे अल्लाह के साथ मरियम को शरीक करे अल्लाह के साथ ईसा को शरीक करे अल्लाह के साथ उजैर को शरीक करे अल्लाह के साथ अल्लाह के फरिश्तों को शरीक करे अल्लाह के साथ किसी नबी को या गौस को या कुतुब को उससे फिर मांगते हैं या गौस या कुतुब या फ़लान या मरे हुए आदमी से तो मशरक होने के लिए अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है यही बात कही गई है वमा यू मिनु अक्सर बिल्ला मुशरकू बहुत सारे लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह को मानते हुए उसके साथ शिरक करते हैं और उसके बाद रसोलसम को हिदायत दी जाती है ऐलान कर दीजिए क़ल हाज ही सबीली अदोल्ला बसरतिन वन तब अनी सुबहानल्लामा अनबरकिन क्या है ये मेरा रास्ता है ऐलान कर दीजिए यह मेरा रास्ता है मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ अरब नेशनल की तरफ नहीं खानदान की तरफ नहीं बरदरी की तरफ नहीं किसकी तरफ बुला रहा हूँ मैं कोई सूबाई लीडर नहीं हूँ कोई लिसानी लीडर नहीं हूँ मैं अपनी बरदरी का गुरु नहीं करता अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँ और पूरी बसीरत के साथ मैं भी और मेरे सहाबी भी और अल्लाह बेऐब है वमा मुशरिकीन और मैं मुशरिकीन में से हरगिज़ नहीं हूँ बताया गया कि इससे पहले भी जो नबी भेजे गए हैं वो सब इंसान थे रिजाल थे और लक़त का नफ़ी कसिम इबरतुलबा शुबा अम्बिया के वाकयात में सच्चे वाकयात में ंदों के लिए इबरत और नसीहत का सामान मौजूद होता है और उसके बाद आखिरी आयत में ये बात कही गई व तफस खलशन के वह तो इस सूरत का आगाज सूरत यूसुफ़ का अल्लाह की किताब और उसकी सिफात से हुआ था इसमें कहा गया था अलिफिला का किताबुल मुबीन ये किताब मुबीन की आयात है और हमने इस क़ुरआन को अरबी जबान में नाजिल किया है इन्ना इना अनना कर्न अरबी ताकिलून अब यहाँ बात कही जा रही है कि मा खान हदीसन युफ्तरा ये क़ुरान कोई ऐसी बात नहीं है जिसे घर लिया जाए वला किन तसदीक़ अज़ीबिन यदई बल्कि जो इनके हाथ में है उसकी तस्दीक में है वह तफसील कल्लीशिन इसमें हर चीज़ की तफसील है वद व रहमत और जो ईमान ले आते हैं उनके लिए किताब हिदायत और रहमत बन जाती है तो पूरी सूरत यूसुफ़ का ख़ुलासा क्या है एक बशारत एक खुशखबरी कि मक्के में आप इस वक्त ितम के माहौल में हैं और आपके अपने भाई आपकी अपनी बरदरी के लोग आप पर म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं लेकिन चंद सालों के अंदर आपको इकतदार मिलेगा मक्का आपके कब्ज़े में होगा और आपके अपने भाई जो जालिम हैं कल आपसे रहम की भीख मांग रहे होंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ पर म किया था और उसके बाद वो बख्शिश और रहमत के तालिब हुए सूरत रान मजीद की तेरहवीं सूरत है और ये सूरत यूसुफ़ के बाद आई है नस्बता ये एक छोटी सूरत है इसकी तिरतालीस आयात हैं और तीन पैराग्राफ हैं देखिए इसका जो पहला पैराग्राफ है वो इब्ताई अट्ठारह आयात पर मुश्तम है इसमें बताया गया है कि कुरान जो तौहीद की दावत दे रहा है और आखिरत की दावत दे रहा है ये दावत बरहक़ है ये बरहक़ दावत है ये इब्तायी अट्ठारह आयात में उसके बाद आयत नंबर उन्नीस से उनतीस तक ग्यारह आयात हैं इसमें बताया कि जो तोहहीद वाले हैं एक खुदा को मानने वाले हैं ये अक्लमंद होते हैं उलुल अलबाब होते हैं और जाहिर है कि इसका मफह में मुखालिफ यही होगा कि जो शर्क वाले होते हैं वो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं क्योंकि एक बेदलील बात की पैरवी कर रहे हैं कि अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह की बेटियाँ हैं कई खुदा हैं राम भी है और कृष्ण भी है और फलां भी हैं इंसान भी हैं पैगम्बर भी हैं फरिश्ते भी हैं तो शिरक एक बेबुनियाद बेदलील बात है और मशरक दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं अलबाब अक्लमंद लोग तोद वाले होते हैं आखिरी पैराग्राफ आयत नंबर तीस से तिरतालीस तक चौदह आयात पर मुश्तल है तीसरा पैराग्राफ है इसमें बताया गया कि जो अक्लमंद लोग हैं उनका अंजाम बहुत अच्छा होगा और उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में इनामात हैं और ये जो सूरत है सूरत राद इसके बारे में एक बात मैं बता दूं कि ये बलागत का शाहकार है और इसमें अरबी ज़बान का अरबी तशबीहा का अरबी इसतारों का ऐसा इस्तेमाल है कि आदमी अपना नकद दिल हार जाता है तो मेरी महबूब तरीन सूरतों में से एक सूरत सूरत तो राद है और इसमें जब बात मुश्किल मकामा हैं और बड़े खूबसूरत जुमले हैं वैसे तो अल्लाह का सारा कलाम ही ख़ूबसूरत है एक से बढ़ कर एक और हर चीज़ ऐसी मालूम होती है कि बहुत शानदार है लेकिन इसमें जो इजाज़ है और जो अख्तिस है और जो बलागत है वो बड़ी नायाब और मुनफरद है सूरत का मरकज़ी मजमून यही है कि मोहम्मद सल्लाम जो दावत तोहैद कुरान के ज़रिए दे रहे हैं और जो आखिरत की दावत कुरान की तरफ से दे रहे हैं उसको कबूल करने वाले अक्लमंद होते हैं उलुल अलबाब होने होते हैं और जो साजिशी लोग हैं और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ क़ैद से मकर से चालों से साजिशों से काम ले रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं और यहाँ साफ बता दिया गया लहू हक कि अल्लाह की जो दावत है यही दावत हक़ है और दोनों फरीक़ हैं एक तोहद वाले हैं एक मशरक़ है। तो दोनों के अक़ायद मुख्तलिफ हैं दोनों का किरदार मुख्तलिफ है तो लाजिम दोनों के आमाल मुख्तलिफ मख्तलि सोच मुख्तलिफ है इसलिए दोनों का अंजाम भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा एक असाबुल जन्ना है और एक असाबुल नार है ये है सूरत रात का खुलासा अब हम इसके पहले पैराग्राफ की तरफ आते हैं इब्तदाई अट्ठारह आयात अलीफिला तिलक आयातुल किताब वलसी खबल वला अक्सर सिलाया गया कि ये अल्लाह की किताब की आयात हैं और अहम्म आपकी तरफ जो कुछ नाजिल किया गया है वो बरहक़ है लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते देखिए यहाँ हक़ानीत को पहली अच्छी तरह साबित कर दिया गया है और पहले अल्लाह का तारफ़ देखिए कौन है अल्लाह यानी तोहिद का तारफ़ है अल्लाह लजी रफ आस समावाती बगैर आमदीन तरना बग़ैर सतोनों के जिसे आप देख सकें अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया आसमानों को और अर्श पर इस्तेवा किया चाँद और सूरज को मुशर कर दिया मुशर कर दिया का मतलब है चाँद और सूरज हमारे फ़ायदे के लिए हैं हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन लेकिन यजरीली अज़ली यजरीलीसम ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं ये घूम रहे हैं एक हर चीज़ घूम रही है ख़ास वक्त तक के लिए और अल्लाह युद्ब अवामिर की तदवीर करता है युफ़ील आयत लअलकुम बिल्कर उम्मीद की जाती है कि इन दलाइल की रोशनी में आप अल्लाह ताला से मुलाकात पर यानी आखिरत पर ईमान ले आएंगे यकीन कर लेंगे तो क्या बात मालूम हुई कि मुनकिरी ने आखिरत हैं ये लोग इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि अल्लाह ही ने ज़मीन को फैलाया और पहाड़ काट दिए उसमें नहरें जारी कर दी और रात दिन का सिलसिला है इनफीजा लिखला आयातिल कौमी योन देखिए पहली जो आयात थी वो वो आयात थी ताकि आप यकीन कर लें और यहाँ क्या है गौर वफ़िक्र के लिए नफीजाली का आयात कौमी यो उसके बाद देखिए कैसी दलीलें आ रही हैं इसमें देखिए आफाकी दलीलें हैं कि ये ज़मीन के टुकड़े हैं ये एक टुकड़ा है ज़मीन का ये एक टुकड़ा है और एक में जो है वो बागात हैं अंगूर के और खेतियों के और खजूर के और चुड़ुआ भी अकेले भी अच्छा ये दोनों खेत एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं एक ही कुएं से एक दरिया से सैराब किए जाते हैं लेकिन बादाहा अला बादिन फिल उकुल ऐसा क्यों होता है कि इस खेत का मज़ा कुछ और है इस खेत का मज़ा और है एक ही ज़मीन साथ, साथ है बिल्कुल अलग है देखिए एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं इसका मज़ा और है उसका मज़ा और है ये ये भी एक ही एक ही ज़मीन है एक ही पानी है ये इस आम का मज़ा और है उस आम का मज़ा और है ऐसा क्यों होता है ये नफीजाली कल आयात इसमें दलीलें हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं दलील क्या है देखिए अल्लाह के कारखाने में नंगी है यकरंगी नहीं है सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं मुख्तलिफ हैं मिजाज मुख्तलिफ है तबीयत मुख्तलिफ है अच्छा उसके बाद वो एतराज़ उनका वो कहते हैं कि अच्छा हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इनकार करते हैं इनके गले में फंदे हैं ये दो में जाएंगे। उला इख अखलाफी आनाकी ये फंदे क्या हैं उनकी सोच के फंदे हैं गले के अंदर उससे बाहर निकलना नहीं चाहते यानी आबा परस्ती जो बाप दादा या कबाइल के जो रस्म रिवाज है वो फंदे उनके गर्दनों में हैं और इसके बाद बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ़ इनमा अंता तंजर व लिखुल कौमिन हाद यहाँ रिसालत के बारे में बात बताई गई है कि हर कौम के लिए एक हादी होता है लिखुल कौमिन हाद और आप सिर्फ़ मुंज़िर हैं नज़ीर हैं डराने वाले और ख़बरदार करने वाले हैं अब देखिए यहाँ अल्लाह का मज़ीद तारुफ आ रहा है कितनी खूबसूरत आयात हैं अल्लाह ताला के इल्म के बारे में अच्छा इधर देखिए ज़रा मैं एक और यहाँ बड़ी बात समझाता हूँ कि अल्लाह यालम तहमील खुल्लु उनसा देखिए ये अनफुसी दलील है औरत हामिला है या कोई भी दुनिया की मादा फर्ज कीजिए ऊटनी है गाय है बकरी है कोई भी मादा हो या इंसान हो तो अल्लाह जानता है कि मादा क्या उठाए जा रही है वमा तकीदुल अरहाम वमा तस्दाद और जो उनकी बच्चेदानी में जो कमी होती है और ज़्यादाती होती है इधर देखिए कि माँ जब नौ महीने का हमल होता है ना तो नौ महीने तक होता क्या है पेड़ बढ़ता भी रहता है और उसके बाद फिर वो सकड़ना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में फिर जब वो पेट तंग होता है तो फिर डिलीवरी हो जाती बताया कि मैं जानता हूँ कि माँ के पेट में क्या है अच्छा यहाँ कि माँ तहमीलु माँ तहमीलु का एक मतलब ये सुन लीजिए कि इस पेट के अंदर आलिम पैदा हो रहा है ये चोर पैदा हो रहा है डाकू पैदा हो रहा है कातिल पैदा हो रहा है नेक है बद है बदसूरत है खूबसूरत है और रिटायर्ड है अच्छा बच्चा है बुरा बच्चा है अल्लाह जानता है क्या बात है देखिए आप क्या बात है और उसके बाद सुनिए वकुल्लु शैन इन दह बे मकदार अब ये जो आयत है ना टुकड़ा अल्लाह के पास हर चीज़ की एक मकदार है हर चीज़ नपी तुली है कुल्ल शन बी मकदार बी मकदार उसकी एक कदर है सुन लीजिए अब मैं इसकी साइंसी वजाहत करता हूँ उसकी कि हर हर एलिमेंट का जो है एक एटॉमिक एक 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 वेट होता है और हर मरक्ब का एक मॉलिकुलर वेट होता है इसी तरह आप देखेंगे कि हर एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है कुछ चीज़ें हल्की होती हैं कुछ भारी होती हैं तो ये हर चीज़ नपी तुली है नपी तुली है इसी तरह सुन लीजिए इंसान का जो नुतफा है वो भी नपातुला है हर नुतफे पर लिखा हुआ है कि ये आगे चलकर क्या बनेगा ये काला बच्चा होगा या गोरा होगा ददी पे जाएगा ननी पे जाएगा तो हर चीज नपीतुली है कायनात की हर चीज व इन इन इंदहु बी मकदार अल्लाह के पास हर चीज की एक मकदार है और वो कौन है आलिमी व शहादत कबीर गैब का आलिम है और मुतआल देखिए आल अली अल, के नाम कहीं है अलअलीम आयतल कुर्सी में अलअली और वो तला सुनिए अल्लाह तला तला जद्दरब्बी और यहाँ उसी से एक लफ्ज़ आ रहा है मुतअिन मुतआल है वो अब उसके इल्म देखिए कि आ, एक आदमी है मन असर रल कौल व मन जहरा भी है तो सवा उमिन को इधर देखिए एक आदमी कह रहा है या अल्लाह जोर से पुकार रहा है एक आदमी कह रहा है या अल्लाह दिल ही दिल में कह कर तो ये दोनों आदमी अल्लाह के लिए बराबर है आप उसको जोर से पुकारिए या आहिस्त से पुकारिए सवा उमिन को अच्छा देखिए दो आदमी वहीं हुआ मुस्तफ़िम बिल वह सारी नहार एक रात के सियाह अंधेरे में एक आदमी चल रहा है और एक दिन के उजाले में अल्लाह दोनों को देख लेता है अंधेरे को भी देख लेता है उजाले को भी देख लेता है देखिए कैसा अलीम है कैसा अलीम है और उसके बाद वो अहम आयत आ रही है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को ख़ुद नहीं बदलती यहाँ पर देखिए इज्तमी फ़लसफ़ा बना बयान किया गया है इन् युग़यर माँ भी कौमिन हत्ता माँ भी अनफ अगर लोग इरादा कर लेंगे कि हम बदलेंगे तो अल्लाह ताला फिर बदलेगा लोग अगर इरादा करेंगे कि हम शराब नहीं पियेंगे पाकिस्तान में शराब बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तान में लोग इरादा कर लें कि हम सूद नहीं खाएंगे न देंगे न लेंगे तो फिर हुकूमत जो है मजबूर होगी ना आपको तनख्वाहों में सूद मिलेगी ना आपकी पेंशन में सूद मिलेगा तो ना स्टेट बैंक जो है वो सूदी बॉन्ड्स जारी करेगा ये जो हुकूमत है जो रिया मदीना के नाम पर कायम हुई है ये साढ़े सात से दस फीसद सूद पर इसने ढाई अरब डॉलर 2.5 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड इसने इशू किए और ये सूद पाँच साल के लिए अलग रेट है दस साल के लिए अलग है बीस साल के लिए अलग है तीस साल के लिए अलग है जो आदमी तीस साल के लिए डॉलर बॉन्ड खरीदता है उसको टेन परसेंट तक सूद दिया जा रहा है टेन परसेंट तक यानी फ़र्ज कीजिए एक आदमी एक आदमी एक हज़ार डॉलर के बॉन्ड खरीदता है तीस साल के लिए वो रखवाता है तो एक हज़ार पर उसको टेन परसेंट के हिसाब से सौ रुपए मिलेंगे सौ रुपए मिलेंगे और तीस साल के उसको तीस साल के तीन हज़ार मिलेंगे यानी तीस साल में वो डॉलर चार गुना ज़्यादा हो जाएंगे रुपए में नहीं रुपए में नहीं वो डॉलर में अदायगी की जाएगी और एक हज़ार से वो चार हज़ार डॉलर हो जाएंगे ये है हमारी हुकूमत रियासत मदीना का कारनामा तो अल्लाह ताला कैसे इस कौम को बदल सकता है जो सूद देना चाहती है पूरी कौम को मखरू करना चाहती है और सूद खिलाती भी है खाती भी है खिलाती भी है और पेंशनर को तक सूद खिलाती है देवाओं को भी सूद खिलाती है ये हुकूमत जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि अल्लाह और रसूल का एलान चंग है देखिए अल्लाह की तस्बीह सुबह अल्लाह इसका मतलब होता है अल्लाह ताला की बेअबी का एतराज़ फरमाया गया कि युसब राध भी हमदी ही विकतुमिन फरमाया राद, राद अल्लाह की हमद के साथ साथ उसकी बेअबी का इतराफ़ करती है और फरिश्ते भी तस्वीर करते हैं उसके डर से खौफजदा रहते हैं लहू दावतुल्क अब यहाँ बताया असल बात है देखिए उसी को पुकारना न बरह किसी और को पुकारा नहीं कि जा सकता किसी और से दुआ नहीं की जा सकती लहू हक अब ये हक का लफ्ज़ पहली आयत में भी आया था आपको याद होगा वलिए उन जिला का मर हक यहाँ फरमाया लहू दावतुल्क उसी को पुकारना बरहक़ है फरमाया गया लहू दावत अल उसी को पुकारना उसी को आवाज़ देना उसी से दुआ करना बरहक़ है अब देखिए खूबसूरत इस्तियारा फरमाया कि जो लोग गैरुल्ला को पुकारते हैं तो वो वो जवाब नहीं पाते और उनकी मिसाल ऐसी है इल्ला कबासिती कफ़ई ही इलल मा देखिए एक आदमी है बासित, कफ़ई ही अपने दो हथेलियां पानी की तरफ करके वो कहता है लियब लुगा फाहू व माह हु तो एक आदमी पानी से कहता है पानी मेरे मुंह में आ जा पानी मेरे मुंह में आ जा और पानी तो मुंह में आने से रहा तो अल्लाह यहाँ तशबीह दे रहा है कि पानी का एक कायदा है पानी का अल्लाह ताला ने एक उसूल मकर कर रखा है पानी हमेशा जो है ढलवान की तरफ़ जाता है नशेब की तरफ़ जाता है, कायदा है या कोई कु्वत उसको रोकने वाली हो तो वो पीछे की तरफ़ आएगा तो एक कायदा है लेकिन पानी आपके मुंह में कैसे आएगा पानी से अगर आप क्या पानी सुनता है क्या पानी के कान होते हैं आप पानी से पानी मेरे मुंह में आ जा तो ये जो मुर्दा लोग हैं जिनसे तुम दुआएं मांगते हो झूठे खुदाओं से मरे हुए लोगों से कब्रों के पास जाके दुआएं मांगते हो तो वहाँ उन्हें पानी से तशबी दी जा रही है वमा दुआ उल काफी फ़ी दलाल काफिरों की दुआएं भटकती रहती हैं वो पहुँचती ही नहीं पानी सुनता है जिस तरह पानी नहीं सुन सकता और पानी आपके मुंह में नहीं आ सकता कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकती इसी तरह आप गैरल्ला से कोई दरख्वास्त करें किसी कुतुब या गौस की या किसी कबर पे जाके पुकारें तो आपका मसला तो हल होने वाला है नहीं और उसके बाद देखिए अल्लाह ताला पूछता है कि ये जो तुम्हारे खुदा हैं ये फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते कुल हल आमा वल बसीर इनसे पूछिए कि एक आँख वाला आदमी देखने वाला बीना आदमी अंधे के बराबर हो सकता है अम हल दस्तवी ुमात व नूर के अंधेरे और उजाला क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं अम जल्ला शुरा का क्या इन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखे हैं खलकू का खलकी क्या इनके शुरा ने भी इसी तरह पैदा किया है जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया है देखिए कैसा इस्तेदलाल है खलकु का खल कही कि अल्लाह ने तो चाँद सूरज ज़मीन आसमान सारी चीज़ें पैदा की है। हैं खाल को लिशीन है हर चीज़ का खालि है क्या इन्होंने भी कोई चीज़ पैदा की है तो फिर क्यों इनको कन्फ्यूज़न हुआ है बेवकूफ़ कहीं के मुशरक़ फता शाह बल खल को अलइन तो ये कन्फ्यूज़न ये मुशाबत क्यों हो रही है गैरुल्लाह की तरफ इतना महलान और रुझान और इतनी अकीदत और वाबस्तगी क्यों है क्या कर सकते हैं वो अल्लाह की मखलूक है खालिकु हर चीज का पैदा करने वाला है ये ऐलान कर दीजिए और एक वाहिद और जबरदस्त खुदा है अब उसके बाद एक और मिसाल से अल्लाह ताला बताता है हक़ क्या है बातिल क्या है देखिए कैसी खूबसूरत मिसाल है मैंने कहा ना सूरत रात बलागत का शाहकार है ये कि अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया और फिर वो वादियों में अपनी अपनी वादियों में आ गया बड़ी वादी में ज़्यादा मेदार में पानी आ जाता है छोटी वादी में छोटे नाले बहते हैं और उसके बाद हुआ ये कि सैल वो गुज़रता है और उसके बाद बताया कि और वो जेवर जो आप आग पर चलाते हैं और जो जिससे बनाते हैं जेवरात जबद मिसलू और अब ये झाग ये जेवरों के ऊपर भी झाग आता है जब जेवरों में जो मैल वगैरह है वो जल जाता है तो वो झागू पर नुमाया हो जाता है और जो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और पानी भी जब मुख्तलिफ वादियों से गुजरता है उसमें सारी गंदगी मिल जाती है और उसमें सेडिमेंट्स और मिनरल्स और सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं और उसके बाद पानी बहुत ही ए, रिच हो जाता है उसके बाद वो ज़मीन पर सारी चीज़ें थम जाती हैं तो अल्लाह कह रहा है कि कज़ाली का यदरबल्ला बातिल अच्छा इस तरह हक और बातिल की मिसाल देता है फ़म्म मब अद फ़य हबुफ़ा व अमामाफ उना फयम कुफ़ीअर्ध व कजाल के यदरबल्लामसल तो कहा कि जो झाग है वो तो ऊपर उड़ जाता है और जो लोगों के लिए बख्श चीज़ होती है अच्छा देखिए साइंटिफिक तौर पर पानी के अंदर ये जो झाग वगैरह इंप्योरिटीज़ होती है ना ये असल में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो साबुन वग़ैरह के अंदर भी होता है और जो मिनरल मिनरल्स हैं और मायम हैंफा उन्नास ये लोगों के लिए बड़े फ़ायदा मंद होते हैं वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं इस तरह अल्लाह ताला मिसाल समझाता है हक और बातिल की मतलब क्या है कि जो ये शिरक है वो झाग की तरह है वो गंदगी है मैल है वो उड़ जाने वाली चीज़ है जो दिलों के अंदर जम जाने वाली बात है वो तौहीद की है वो सच्ची बात है और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग अल्लाह की पुकार पर लबैक कहते हैं उनके लिए बेहतरीन अंजाम है और जो लोग ए, इस पर लबैक नहीं कहते तो अगर वो ज़मीन की सारी दौलत और उसके बराबर भी जुर्माने में अदा करें तो फिर उनको कुछ आ, रिलीफ नहीं मिलेगी और उलामसूल हिसाब इनके साथ बुरा मामला किया जाएगा व मा जहन्नम इनका ठिकाना आग है और ये एक बहुत ही बुरा ठिकाना है यहाँ पर आयत नंबर 18 पर पहला पैराग्राफ़ ख़त्म होता है अब दूसरा पैराग्राफ में अल्लाह एक सवाल करता है कि एक आदमी है जो इस क़ुरान के बारे में ये कहता है कि ये आप पर हक़ के साथ नाजिल हुआ है देखिए नमा हक तो क्या वो एक अच्छा आदमी है जो कुरान को बरक समझता है और कमन हुआ आमा क्या वो उस अंधे के बराबर हो सकता है जो जो आ, इस कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लिम नहीं करता इनमा यज फरमाया परान की इस नसीहत को वही कबूल कर सकता है जो अलबाब में से हो जो साहिब लुब हों वही जो अक्लमंद हों वही इसको कबूल कर सकते हैं ये कौन है अक्लमंद लोग अब अक्लमंद लोगों की सिफात बयान की गई है कि जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं जो अहद को तोड़ते नहीं जो आ, उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है जो अपने रब से डरते हैं ख़शियत इख्तियार करते हैं जो क़यामत के दिन का खौफ रखते हैं और जो सब्र इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला की खातिर जो नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं अलानिया भी और जो बुराई को दफ़ा करते हैं नेकियों के साथ ऐसे लोगों के लिए उला लहुम उत्तार ऐसे क़लमन लोगों के लिए आख़िरत का घर है जन्नात हैं उनसे कहा जाएगा कि सलाम्कुम अलैकुम मा सबर तुम तुम लोग तोहैद पर डटे रहे तुम पर सलाम हो सलामती ही सलामती हो कितना अच्छा इनके लिए अहद है इसके बरखिलाफ़ अब दूसरा कैरेक्टर है देखिए कि जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं मीसाख के बाद और रिश्तों को काटते हैं जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है और ज़मीन पे फसाद करते हैं उलाकल्लान इन पर अल्लाह की लानत है और इनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है अब देखिए जिसको चाहे अल्लाह तस्क में कुशादगी अदा करता है जिसको चाहे तंगी और बताया गया वमल हयात दुनिया फ़िल आख़िरती इल्ला मता आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी बस मामूली सा सामान है इसके बाद बताया गया कि कि वो एतराज़ करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ, हिस्सी क्यों नाजिल नहीं हुए तो जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला जिसको चाहे गुमराह कर देता है जिसको चाहे हिदायत देता है और हिदायत सिर्फ़ उसे मिलती है जो अल्लाह की तरफ़ इनाबत इख्तियार करता है ये वो लोग होते हैं ये इनाबत इख्तियार करने वाले लोग वो होते हैं जो अहले ईमान है अल्लाजी आमनु वतम इन क़लूब हम अल्लाह के ज़िक्र से इनके दिल मुतमिन हो जाते हैं अला बेजिक्राह ततमलू याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इतम इनान नसीब होता है ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं नेक अमल करते हैं तूबा बाल लहुम व हुसनुमा इन लोगों के लिए खुशखबरी है और इन लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही खूबसूरत जहां इन्हें लौटना है अब यहां से देखिए तीसरा और आखिरी पैराग्राफ इसका शुरू होता है आयत नंबर तीस से तिरतालीस तक और ये चौदह आयत हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि तमाम उम्मतों को यही तालीम दी गई थी जो तो आपको दी जा रही है आप भी कहिए हुआ रब है ला अलैहि तवक्कलतु व वही मताभी अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है मैंने अल्लाह ही पर भरोसा कर लिया है और उसी की तरफ़ मेरा लौटना है और बताया गया कि ये लोग इतने इतने जिद्दी हैं कि अगर ऐसा क़ुरान हम नाजिल करते जिससे पहाड़ चलने लगते ज़मीन फट जाती या मुर्दे बोलने लगते तब भी ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्यों ये हिस्सी मोजात का मुतालबा कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसमें ताजुब की क्या बात है दुनिया में जितने रसूल पहले गुजरे हैं उन सब का मजाक उड़ाया जाता रहा है आप तो आखिरी रसूल हैं वल़दस्तिय वल कदस्तु बसूल मिन कब्लिक फ़ अमलई तो लजीन क़रो सखस्त हूँ और मेरा क़ानून ये है पहले अमलई तो सखस्त हूँ यानी पहले मैं उनको ढील देता हूँ मोहलत देता हूँ अमलई तुलहु अमलई तो लजीन कफ़रो स हूँ तो पाँच साल दस साल बीस साल पचास साल अल्लाह का एक टाइम टेबल है वो मोहलत देता है फिर पकड़ लेता है और बताया गया कि इनकी साजिशें और मकर अल्लाह के मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं आएंगी अब यहाँ बताया गया कि अहले ईमान के लिए जो जन्नत है उसकी क्या खसूसियात हैं फरमाया उकहा दा इम इसके जो फल हैं वो दायमी होंगे देखिए दुनिया के जो फल होते हैं वो मौसमी होते हैं ना आम बारह महीने नहीं मिलता न संतरे मिलते हैं न कीनू मिलता है न स्ट्रॉबेरी मिलती है मौसम का फल होता है अनार जो है वो नवंबर दिसंबर में मिलते हैं लेकिन वहाँ उकुलुहा लुहा दा इम वजी लुहा साया भी कब होता है जब तो उसके साए भी हमेशा से हैं और इसके बाद बताया गया कि कि इस तरह एक कुरान अरबी ज़बान में आप पर नाजिल किया जा रहा है तो ये एतराज़ था कि इंसान को रसूल क्यों बनाया गया है इसका जवाब दिया गया कि आपसे पहले जितने रसूल गुजरे हैं उन सब की बीवियाँ थीं उन सब के बच्चे थे वमा खानली रसूलिन आयातियबी आयतिन अल्लासन ला के मुजात रसूल के हाथ में नहीं होते अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर मुजादा सादिर नहीं होते रसूल भी एक इंसान होता है बशर होता है बीवियाँ होती हैं बच्चे होते हैं ये अल्लाह इसके बाद बताया कि अल्लाह के पास उमुल किताब है और अल्लाह के तारुफ में ये बात भी बताई गई व्ला लामोक्की वाली हुक्म भी अल्लाह ताली फैसले करता है अहकाम जारी करता है और उसके हुक्म पर नज़र षानी करने वाला कोई नहीं होता उससे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता उसके ऊपर कोई और हस्ती नहीं है कि जो उसके फैसलों की अपील को सुने जैसे होता है ना छोटी अदालत के फ़ैसले को बड़ी अदालत में सुना जाता है फिर उसकी उस अदालत के फ़ैसले को हाई कोर्ट में फिर उस अदालत के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो फरमाया गया लाम अक्की वाली हुक्म ही उस अब उसके बाद बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं फली मकरु जमीअन लेकिन तदबीर तो अल्लाह ताला की होती है और सारी तदबीरें अल्लाह ताला की के पास हैं इनकी मुशरिकीन की और मुखालफी रसूल सलाम की तदबीरों से चालों से क्या होगा और उसके बाद बताया गया कि वो लोग कहते हैं काफिर लश्तम सलाह कै मोहम्मद अलैहि वम आप रसूल नहीं हैं जवाब दीजिए कफ़ा बल्ल शहीदा अल्लाह की गवाही इस पर काफ़ी है मेरे और आपके दरमियान वमन किताब और उन लोगों की गवाही जो अल्लाह के पास है जिनके पास और जिनके पास किताब का इल्म है तो इस पूरी सूरत में तौहीद के दलाइल भी हैं आखिरत के दलाइल भी हैं और फिर रिसालत के दलाल भी हैं और हासिल कलाम यही है कि ये हक और बातिल की कश कर... ये हक और बातिल के दरमियान कश्मकश है तोहद हक़ है शिरक बातिल है और अल्लाह ही को पुकारना बरहक है और हक और बातिल के दरमियान अल्लाह ने मिसालें पेश की हैं लोग हक़ को कबूल कर लेते हैं बेवकूफ़ लोग